नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो घर बनाने का काम है वो कई गुना तक महंगा हो चला है, चाहे बात किया जाए लेबर कॉस्ट का या फिर मटेरियल कॉस्ट का। लेकिन अगर आपने अच्छा मटेरियल दिया है मिस्त्री और ठेकेदार को, उसके बावजूद मिस्त्री और ठेकेदार आपका घर का जो काम है उसके साथ खिलवाड़ करता है, आपका जो मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से देने के बाद भी अगर वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी गलती है और मिस्त्री और ठेकेदार का भी गलती है। क्योंकि आपको साइट पर जाकर देखना चाहिए कि मिस्त्री और ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहा है या फिर करवा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा बहुत जानकारी है वो होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोग को एक बनते हुए घर का जो काम है, यहाँ पे जो गलत काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसा काम बताने वाला हूँ जो काम इस तरीका का जो साइट है उस पर अक्सर गलतियाँ हो ही जाता है। तो किस तरीके से 5 से 6 गलती यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में देखिए, समझिए और अपने होने वाले घर को आप मजबूत टिकाऊ के साथ साथ सुंदर बनाइए। यहाँ पे देख सकते हो कि जो वायरिंग का काम चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती काम कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे पाइप के लिए जो वाल का कटिंग है उसका काम चल रहा है, वाल आप काट सकते हो। और उसके साथ साथ इसमें जो बीम और कॉलम आता है उसको भी दोस्तों जो मिस्त्री और ठेकेदार होता है वो आसानी के साथ काटते हुए चला जाता है। जैसे कि आप दूसरा जगह काम किया गया है वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लिंटल का बीम आया हुआ है, यहाँ से कुछ इस तरीका से कटिंग करते हुए चला गया है। तो आपको कॉलम और बीम का कटिंग से बचना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे आपको वायरिंग करना है कि कम से कम आपका जो कॉलम या फिर बीम है उसका कटिंग हो। क्योंकि जो कॉलम और बीम का जो काम होता है घर के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सारा आपने घर में देखा होगा कि कॉलम का भी कास्टिंग कर लिया जाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ देख सकते हो, ये कॉलम का यहाँ पे काम किया गया है। अगर आप इसका कास्टिंग को देखिएगा तो कुछ इस तरीके से कास्टिंग किया गया है कि बिल्कुल आपको चारों तरफ कॉलम में हनीकॉम ही हनीकॉम नज़र आता है, बात किया जाए ऊपर का कॉलम का या फिर नीचे का कॉलम का। उसके साथ साथ जो बीम है उसका भी कुछ इसी तरीका का कास्टिंग यहाँ पे किया गया है। तो आपको कॉलम और बीम के लिए एक अच्छे तरीका से कास्टिंग करवाना चाहिए। उसके साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा में भी कुछ गलत काम किया गया है, वहाँ पे भी चल के मैं आपको 3 से 4 गलती ऊपर में भी किया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस घर का जो भी मैं गलती बता रहा हूँ, यहाँ पे मटेरियल बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है, उसके बाद भी मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा किस तरीका से गलत काम आपका भी हो सकता है, आप देखिएगा। तो देखिए, ये जो मैं आपको गलती बताने वाला हूँ, ये जो किया जा रहा है इस घर के लिए, सीढ़ी है, देख सकते हो ये सीढ़ी है, और सीढ़ी का जो कॉलम है वहाँ पर भी गलत काम किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो इस घर के लिए सीढ़ी बनाया गया है, इसका कास्टिंग पर अगर आप गौर करते हो तो बिल्कुल आपको सिर्फ हनीकॉम ही हनीकॉम नज़र आता है, हालांकि बात उससे भी आगे यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आ गया। देख सकते हो, कास्टिंग के दौरान कुछ इस तरीके से कास्ट किया गया कि यहाँ पे जो सरिया है सीढ़ी का, वो भी आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 mm का सरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बाइंडिंग वायर वगैरह भी आप आसानी के साथ यहाँ पर देख सकते हो। देखो, यहाँ पर भी जो बाइंडिंग वायर है उससे भी कुछ इस तरीके से बांधा गया है कि बिल्कुल बाहर में ही है। उसके साथ साथ ये सरिया भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप छोड़ देते हो तो इसमें जंक आने का खतरा रहता है। उसके बाद जो आपका घर का सीढ़ी होगा या कॉलम होगा, बीम होगा, उसका जो आप सरिया देख पा रहे हो तो काफ़ी वो खराब बात है। आपको कुछ इस तरह का जो रुखरापन आ जाता है कभी कभी, तो फिर आपको अगले दिन जब इसे आप डिसटरिंग करते हो, मतलब इसका सेंटरिंग को खोलते हो, उसी समय मसाला बनाते हुए उसको आपको अच्छे तरीके से ढक देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी सरिया बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, आसानी के साथ देख सकते हो, ये भी सरिया है वो 8 mm का लगाया हुआ है। तो इस ढंग से आपको अपना सीढ़ी का काम भी नहीं करना चाहिए, सीढ़ी हो या फिर कहीं का भी ढलाई से संबंधित काम हो, अगर आपको वहाँ पर सरिया लगाया है और सरिया वहाँ दिखता है तो तुरंत आपको उसका कास्टिंग कर देना चाहिए, मसाला से उसको भर देना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम किया गया कि जो कॉलम है बिल्कुल कॉलम लग ही नहीं रहा, आप देख सकते हो इतना घटिया काम। आप देखिए, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक जो कॉलम है उसका काम कुछ इसी तरीके से किया गया है, ये देखिए आप, ये देख सकते हो। तो बिल्कुल भी अगर आपका मटेरियल आपने अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है, उसके बावजूद अगर आप मिस्त्री और ठेकेदार इस तरीके का कॉलम बनाता तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी आपने महंगा मटेरियल प्रयोग किया है वो भी किसी का काम नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी जो इस घर के लिए जो कॉलम है उसके लिए जो रिंग का सरिया है वो भी आसानी के साथ यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो घर का काम है उसे नहीं करवाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे भी सरिया है वो दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको अपने घर के लिए काम को नहीं करवाना चाहिए, आपको कॉलम और बीम का खासा ध्यान रखना चाहिए। तो देखा आपने कि 5 से 6 जगह मैंने सिर्फ आपको जो
छोटा मोटा मिस्टेक है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने घर में बनने वाला घर है उसमें कुछ इस तरीका का मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार छोटा मोटा जो गलती होता है कॉलम और बीम का, वो भी आपके लिए काफ़ी बाद में महंगा साबित हो जाता है, आपको कई गुना तक नुकसान वो करवा सकता है। सीढ़ी रूम में कोशिश कीजिएगा 5 इंच का दीवाल न देते हुए 10 इंच का दीवाल दें, अगर इनर वाल है फिर भी आपको 10 इंच का ही यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। ये देख सकते हो, हालांकि यहाँ पर प्रॉपर जो कॉलम और बीम का साइज़ है उसे प्रोवाइड किया गया, लेकिन अच्छे तरीके से कास्टिंग नहीं किया गया। तो कॉलम और बीम का कास्टिंग अच्छे तरीके से कराना है, उसके साथ साथ सीढ़ी के चारों तरफ जो दीवार आता है वहाँ पे आपको 10 इंच का दीवार देना चाहिए, और इसके साथ साथ देखिए इस तरीके से काम को किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया है और भी बहुत सारा घर का जो बनाने के दौरान गलत काम किया जाता है उसको देखना चाहते हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।